नमस्कार दोस्तों, मैं अजय राज तोमर आज आपके लिए लेकर आया हूँ पुराने पन्नों से मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आइए सुनते हैं एक्ट्रेस। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वो भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वो मुझे अपनी सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसके इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वो वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वो मृत्युशैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूंगा। और राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र ना करो, क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमां का 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा। नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा, 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज है और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी, आखिर करना है ही, कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया, फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज, कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह ना करूंगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जुबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हमें कितनी कमी है, ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वो तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी ना रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया, आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूं। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा, लेकिन वो सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने को मजबूर हूं। क्यों क्यों ये किसी से छिपा नहीं, औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था, लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वो कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और ये हार्दिक दुख वो वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था।